नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको जो है कि यहाँ पर पर्सनल लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको जो है कि यहाँ पर फंड की जरूरत है, आपको जो है कि पर्सनल यूज में यूज करना है, तो आप जो है कि यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं और आपके पर्सनल यूज में यूज कर सकते हैं। तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर आपको जो यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एलिजिबिलिटी में आपको बताऊंगा। इसमें आपको यहाँ पर जो है कि फीचर बताऊंगा, इसमें क्या क्या आपको फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे, चार्जेस वगैरह सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा मैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं लोन के रिलेटेड वीडियो आपको बनाते रहता हूँ और मैंने बहुत सारे बैंक के रिलेटेड आप जो है कि लोन यहाँ पर वीडियो बना रखे हैं, तो आप जो है कि वीडियो देख लेना, आपको यहाँ पर जो है कि डेफिनेटली लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलो बढ़ते वीडियो में आगे की और वहाँ पे मैं आपको जो कि इसमें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर आपको जो कि यहाँ पर बैंक अगर अभी अकाउंट नहीं है, तब भी आपको जो कि वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें आपको तब भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। चलो बढ़ते वीडियो में आगे की और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि लिंक मिल जाएगी AU स्मॉल फाइनेंस ऑफिशियल वेबसाइट की। यहाँ पर जो है कि आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने जो है कि EMI कैलकुलेटर आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात वही होती है कि हमें यहाँ पर चार्ज कितना लग रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट पर हमें यहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर जो है कि पूरा एटीजेड समझाऊंगा और आपको इसमें बताऊंगा किस प्रकार से इसमें आपको लोन अवेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम आप जो है कि 25,000 तक लोन ले सकते हैं, उसमें आपको जो मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर अभी ऑनलाइन का दिया जा रहा है। अगर आप जो है ऑफलाइन में ट्राई करेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है कि जैसे कि आपको लोन कितना भी चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिनिमम 11% है, यानी कि एनुअल लगता है आपका ये। आप जो है कि यहाँ से ट्राई कर देना आपको कितना चाह रही है कितना नहीं चाह रहा, जैसे कि हम 1 लाख का देख लेते हैं। ये हो गया 1 लाख हमारा। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको कितना परसेंट यहाँ पर जो है कि इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 12% हमारा पर एनम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि हमें EMI कितनी करनी है, 1 साल की करनी है 12 महीने की। तो 1 लाख रुपये में मुझे चाहिए 12% का यहाँ पर, यानी कि पर मंथ 1% हमारा जो है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो 1 लाख है। टोटल इंटरेस्ट हमें 6,619 रुपये लग रहा है, ठीक है। 1 साल में टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा, 1,06,619 रुपये हमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट 12% 1 साल के लिए। और पर मंथ की EMI जो आएगी हमारी वो 8,885 रुपये आएगी, ठीक है। तो समझ लिया हमने यहाँ पर EMI कैलकुलेटर को, तो आपको भी अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में जो दिखाई दे रहा है आपको अप्लाई फॉर लोन, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको जो यहाँ पर EMI पर्सनल लोन लेने का पूरा तरीका यहाँ पर बताया गया है और उसके बारे में बताया गया है। तो आप देख लीजिए टॉप फीचर यहाँ पर बताया गया है, 12 से 60 महीने की आप EMI करवा सकते हैं, यहाँ पर कंपेटिव यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड जो आपकी नीड है उसका पूरा कर देगा ये। तो यहाँ पर अबाउट पर्सनल लोन का पता है कि पर्सनल लोन उनका जो है कि उनका पर्सनल लोन किस प्रकार से फ्लेक्सिबल है वगैरह वगैरह पूरा बताया गया है। आप जो कि इसके बारे में पढ़ लेना, हम जो कि पर्सनल लोन के बारे में हर कोई जानता है। चलो नीचे चलते हैं, फीचर ऑफ पर्सनल लोन का इनका पढ़ लेते हैं, इनका फीचर क्या आएंगे पर्सनल लोन का। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कि AU फाइनेंस आपको जो है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पर ऑल पर्पज़ लोन, जो आपका कोई भी लोन का पर्पज़ हो यहाँ पर जो है कि आपको लोन मिल जाएगा, जैसे कि होम रिनोवेशन, वेडिंग, ट्रेवल, हेल्थ केयर, डेप्थ कंसोलिडेशन, एजुकेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कुछ भी आपको अगर ज़रूरत है यहाँ पर तो आप जो कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। इनका ऑल पर्पज़ लोन यहाँ पर अवेलेबल है, नो कोलेटरल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, जो है कि आप थोड़े से डॉक्यूमेंट में यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड योर टेन्योर, आप जो है कि आपका डिसाइड कर सकते हैं 12 महीने की चाहते EMI या 60 महीने की चाहते EMI, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, यानी कि 5 साल तक आप जो कि यहाँ पर EMI करवा सकते हैं आपके पर्सनल लोन की। बेनिफिट ऑफ पर्सनल लोन यहाँ पर बताया गया है, बेनिफिट क्या क्या है इनके। तो यहाँ पर बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है, जो भी कॉम्पिटिटिव है इनका उनसे यहाँ पर कम ही यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं। एफर्टलेस यहाँ पर जो है कि लोन मैनेजमेंट है इनका, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपली AU 01 01 01 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। प्री अप्रूव्ड ऑफर यहाँ पर आपको मिलता है, प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको जब ही मिलेगा जब आपका जो है कि यहाँ पर 010 में आपका अकाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर जो कि रॉयल इंटरेस्ट रेट आपका मिलता है, अगर आप जो कि यहाँ से रॉयल कस्टमर है इनके तो आपको यहाँ पर जो है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा आपका। तो ये भी 10 01 01 में आपका अकाउंट होगा तभी आपको देखने को मिलेगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो है यहाँ पर इंडियन होना चाहिए, 23 से 60 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपका मिनिमम रीपेमेंट टेन्यूर यहाँ पर 12 मंथ का होगा और मैक्सिमम यहाँ पर आपका जो है कि 5 ईयर का होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको मैं अप्लाई फॉर अमाउंट आप जो है कि यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से 10 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, हाउ टू अप्लाई पर्सनल लोन यहाँ पर बताया गया है आप किस प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने 4 स्टेप में इनका पूरा पर्सनल लोन लेने का तरीका बता दिया है। इसमें सबसे पहले करना है कि आपको AU0101 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर इसमें अकाउंट वगैरह बनाना है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर प्री अप्रूव ऑफ़र मिलेगा। प्री अप्रूव्ड ऑफ़र यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन द ऑफ़र टैब पर आपको क्लिक करना है, प्री अप्रूव्ड ऑफ़र चेक करना है। उसके बाद में आपको जो है कि अवेल करना है आपके ऑफ़र को। तो प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आपको तभी मिलेगा जब आप जो है कि यहाँ से इसमें अकाउंट आपका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है कि इस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। देन आपको इसमें अकाउंट वगैरह बनाना है। अकाउंट वगैरह बनाने के बाद में आपको जो है कि एक दो दिन के अंदर आपको जो है कि यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिल जाएगा पर्सनल लोन का। उसमें आपको जो है कि कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जो है कि इसमें अकाउंट नहीं बनाते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि AU फाइनेंस बैंक में जाना पड़ेगा, उनकी ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी, देन ही आप जो है कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो मेरा आपको जो है कि अगर इसमें से लोन चाहिए आपको तो आपको यहाँ से अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप जो है कि यहाँ से घर बैठे ही आसानी से लोन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर कुछ नहीं, आपका आधार पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पे कोई OTP आएगा, वो OTP आपको जो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो ये रहेगा इसका फंडा। फीस एंड चार्ज की बात कर लेते हैं। फीस एंड चार्ज में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% आपका जो लोन इंटरेस्ट यहाँ पर आपके प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपको, प्लस टैक्सेस लगेंगे आपको, नो चार्ज एंड में। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन की चार्ज कोई भी नहीं लगेगा। अब स्टैंपिंग की चार्ज की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है कि हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पर की बात करते हैं हम कि अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है आपकी EMI तो उसमें आपको कितना लगेगा, तो उसमें आपको जो है कि 3% का यहाँ पर चार्ज लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मंथ लास्ट डिस्पर्मेंट आपको जो कि 5% बैलेंस अमाउंट ऑफ द क्लोजर। अगर आप जो कि फोर क्लोजर करवाते हैं यहाँ से लोन, फ्लोर क्लोजर करवाते हैं आपका, तो लोन लेने के 12 महीने के अंदर अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप जो कि इसको क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि 5% इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका जो भी लोन अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपये है आपका, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको क्लोज करवाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं 12 महीने के बाद में आप करवाते हैं तो आपको 3% यहाँ पर चार्ज लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 3,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे 1 लाख पर। तो इस प्रकार से आपको जो कि यहाँ से लोन लेना है, तो पूरा यहाँ पर जो है कि आपको मैं कंक्लूजन बता दूँ, तो आपको यहाँ से जो है कि इसमें अकाउंट वगैरह बनाना है, देन आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र लेना है। इसमें आपको जो है कि बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, घर बैठे आप कर सकते हैं, प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिलेगा, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में उसे पूछ लेना। बहुत सारी बैंक का मैंने जो भी बैंक आपकी है निजी उसका मैंने वीडियो बना रखा है आई बटन में, या फिर आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी बैंक के पर्सनल लोन यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट पर घर बैठे अप्लाई करना मैंने बताया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। मिलता हम किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।